फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। टॉप 25 प्लस क्वेश्चन है ये। थर्मोडायनामिक्स का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट गैस। इसमें आपको ये बताना है परफेक्ट गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन सा लॉ इसमें से एप्लीकेबल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, ऊपर के जो तीनों दिए हुए हैं वो बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, गेलुशेक लॉ। जो बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ और गेलुशेक लॉ होते हैं, ये बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट्स। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट्स। मास की एसआई यूनिट कौन सी होती है। इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट। टाइम की एसआई यूनिट कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट्स। लेंथ की एसआई यूनिट कौन सी होती है। इसका आंसर होगा मीटर, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट इज। जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है इसका आंसर होगा जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेलुशेक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। इसमें यह दिया गेलुशेक लॉ के अकॉर्डिंग परफेक्ट गैस के लिए इनमें से क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से इसका आंसर रहेगा सी, आंसर इसका करेक्ट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। इसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट में हो। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेलुशेक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर अकॉपीज। इसका आंसर हो जाएगा ए, मोड वॉल्यूम। एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर अकॉपीज मोर वॉल्यूम। जब ज़्यादा वॉल्यूम होता है तब हमारे पास आइडियल गैस में रियल गैस की कंपेयर में रियल गैस ज़्यादा हाई प्रेशर करता है। मेरी बहुत इसमें आंसर हो जाएगा मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल गैस इक्वेशन इज। जनरल गैस इक्वेशन कौन सी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाली बी, करेक्ट आंसर है पी बी इक्वल टू एम आर टी। जनरल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है पी बी इक्वल टू एम आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि टोटल प्रेशर का मिक्सचर का गैस का इक्वल टू बराबर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल। जितने भी पार्शियल प्रेशर है सभी को सम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। सभी पार्शियल प्रेशर जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉज कुड बी एप्लीकेबल विथ इन द कॉमनली एनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट्स। टेम्परेचर लिमिट के लिए कौन से इसमें से कॉमनली काउंटर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसका डी आंसर रहेगा इसका करेक्ट, ओ टू, एन टू, एच टू और एयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एयर, ये एप्लीकेबल रहेंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉज कुड बी एप्लीकेबल विथ इन द कॉमनली एनकाउंटर टेम्परेचर लिमिट्स ओ टू, एन टू, एच टू एंड एयर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट्स इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच। क्लोज सिस्टम एक कौन से प्रकार का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर इसका, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम तो एनी एनर्जी में डू शो। क्लोज सिस्टम इज वन
in which a mass does not cross boundaries of the system through energy made to so. Flow system में क्या होता है, flow system में जो mass होता है mass boundary को cross नहीं करता है, बाकी energy इसमें cross कर सकती है, ये flow system होता है. Next question है, temperature of a gas is produced due to. टेम्परेचर जो होता है वो गैस के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, इसका आंसर हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स, मोलिकुल्स में काइनेटिक एनर्जी को पैदा करता है. टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स. टेम्परेचर की वजह से गैस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स में काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेंड बाय व्हेन, इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज जीरो. काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो होता है उसके लिए होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज जीरो. जो काइनेटिक एनर्जी में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो जीरो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एज्यूम्स दैट द कोलिजन्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर. काइनेटिक थ्योरी में जो कोलिजन होते हैं मोलिक्यूल्स होते हैं क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एज्यूम्स दैट द कोलिजन्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 5E/4. क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू. अब जब काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा 5E/4. अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू. काइनेटिक एनर्जी में जो मोलिकुल्स के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टी, टी के प्रोपोर्शनल होता है. काइनेटिक एनर्जी के मोलिकुल्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस टी से टी के प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स, सुपर हीटेड वेपर में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस, ये अप्रोक्सीमेटली गैस के फॉर्म में रहती है. सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल ऑक्योर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो, जब मोलिकुलर मोमेंटम में सिस्टम जीरो होता है तब हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है. तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो प्रेशर विल ऑक्योर, इसका आंसर होता है व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट, इसका आंसर हो जाएगा ये जीरो प्रेशर. नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट जीरो प्रेशर, जब लिक्विड नहीं होता है तो उसके उस कंडीशन में लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है. अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट्स, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाट, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड बाय, परफेक्टली वैक्यूम कंडीशन में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर किसके बराबर होता है, इसमें हमारे पास जो है आंसर वो रहेगा हमारे पास ये और टेम्परेचर आप -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एज आर टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. परफेक्ट वैक्यूम कंडीशन में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बराबर होता है टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर. अगला क्वेश्चन है, इंटेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन वो वैल्यू, इंटेंस प्रॉपर्टी में सिस्टम की जो वैल्यू होती है उसके आंसर हो जाएगा ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर प्रेशर, ये डिपेंड जो मास की कंडीशन जो सिस्टम होता है सिस्टम की मास पर ये डिपेंड नहीं होता है और इसमें जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर इस टाइप से हम समझ सकते हैं. इंटेंस प्रॉपर्टी में जो सिस्टम की वैल्यू होती है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है जैसे कि उसके अंदर लाइक टेम्परेचर और प्रेशर. तो क्वेश्चन है, इंटेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन वोज वैल्यू, तो आ जाएगा आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा.